सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के चलते करनाल के डेरा कार सेवा से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ वापस डेरा कार सेवा कलंदरी गेट में संपन्न हुआ। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ वह जगह अब पटना साहिब के नाम से जानी जाती है। पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने। उस समय उनकी उम्र केवल 9 साल की थी। आपको बता दें कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने साल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के इतिहास की सबसे अहम घटना मानी जाती है। वही गुरु गोविंद सिंह जी ने ही गुरु परंपरा को खत्म करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का गुरु घोषित किया था। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा मंजी साहिब, करण गेट, कमेटी चौक, रेलवे रोड से होता हुआ अस्पताल चौक, कल्पना चावला मेडिकल रोड एवं मुख्य मार्गों से होता हुआ वापस कलंदरी गेट में संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में भागीदारी जत्था द्वारा गुरु की महिमा का गुणगान किया गया। इस अवसर पर गतका पार्टियों द्वारा हैरत अंगेज कारनामे भी प्रस्तुत किए गए, जिसको देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। गतका पार्टी द्वारा छोटे छोटे बच्चों ने भी हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। यहां हम आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 20 जनवरी को है, जो कि पूरे देश में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज डेरा कार सेवा कलंदरी गेट से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन का शहर के मुख्य मार्गों पर जोरदार स्वागत किया गया एवं नगर कीर्तन के लिए जगह जगह पर लंगर प्रसाद का भी प्रबंध किया गया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.